अरे अरे बाइक्स कुछ आगे नहीं, सारे बस उसमें नहीं चले कर लूं। दो रेडियो सारे दोस्तों, मैडम रेडियो मैडम शुरू करें। अच्छा पीछे भी नहीं बात करना, आराम से खड़े होना सारे। अच्छा में कौन सा पन्ना रखा हुआ है? अब करूं बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दो बातें करनी है। एक पहली बात है कि काफ़ी रिएक्शन आ रहा था सोशल मीडिया के ऊपर जो अली मोहम्मद ख़ान ने कहा है, और उन्होंने बात की थी जो उन्होंने इमरान खान का पैगाम दिया था। इमरान खान उसकी थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन करना चाह रहे थे कि बिल्कुल वो चाहते हैं कि मुफाहमत हो, वो चाहते हैं कि पीस एंड वो जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन जैसे नेल्सन मंडेला ने की थी। नेल्सन मंडेला ने सुन्नत फॉलो की थी, उन्होंने जो नेल्सन मंडेला ने किया था वो इस्लामी तरीका था कि आपने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान ने ये क्लैरिफाई किया है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन या जिनके साथ आप बैठ सकते हैं वो है आइडियोलॉजी के ऊपर, नज़रिया के ऊपर। वो ये उन्होंने कहा था कि जो जिन्होंने चोरी की हो, जिन्होंने चाहे मैंडेट चोरी किया हो और जिन्होंने वोट चोरी किया हो, उनके साथ बिल्कुल मुफाहमत नहीं हो सकती, क्योंकि आज अगर ये काम करेंगे तो आपकी जो मुआशरा है उसको बहुत नुकसान पहुँचेगा। और जो इसका मतलब है कि जितने आपके जेल हैं उनके दरवाज़े खोल देने चाहिए, और सारे जिन्होंने चोरी की है उनके साथ भी आप ये मुफाहमत कर लें और उनको कहें कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन हो गई, और जेल के दरवाज़े खोल दें और सारे चोरों को निकाल दें। तो इसलिए वो उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन जो नेल्सन मंडेला ने की थी आपकी हमारी सुन्नत फॉलो करके वो होना चाहिए, लेकिन जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, जिन्होंने आपका जो करप्शन किया है, उनके साथ कोई ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन नहीं होगी। एक ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं आपको नंबल एजुकेशन जो जो नंबल यूनिवर्सिटी है, नंबल नॉलेज सिटी है, उसके बारे में इमरान खान ने कहा आप आके बड़ा इसका पैगाम नहीं दें, आप इसके ऊपर सख्त एहतजाज करें कि पिछले एक साल से तकरीबन 9-10 महीने से हमारी एक कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो बनने लगा था नंबल का, वो कोई 2000 स्टूडेंट्स के लिए था अकोमोडेशन, 180 फैकल्टी मेंबर्स के लिए अकोमोडेशन बन रही थी, पूरा शहर की कंस्ट्रक्शन शुरू होनी थी, और 9 मई के बाद उन्होंने सारे जो ठेक कॉन्ट्रैक्टर थे उनको भगा दिया। किसी को इजाज़त नहीं कि ये बच्चे जो एक फलाई अदारा है जहाँ पे इस वक्त 95% स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ रहे हैं बच्चे, और अगर आप कर सकते, अगर हमारे पास इस वक्त अकोमोडेशन तैयार होती, हम कम से कम 2000 बच्चों को अगले 1-2 सालों में हम उनको एडमिशन दे सकते थे। तो अब हमारी कोशिश थी पिछले थोड़े महीनों से कि हम सिर्फ 200 बच्चों के लिए इमरजेंसी में अकोमोडेशन उनकी बना लें, ताकि हम सितंबर में उनको उनकी एडमिशन्स कर सकें। अब वो अगर किसी ने रोका, ये जो 200 बच्चों की अकोमोडेशन है, ताकि दो डिपार्टमेंट्स जो बनने जा रही हैं नंबल नॉलेज सिटी में वो बन सकें, तो वो फिर हम चीफ मिनिस्टर का ये जिम्मेदारी है कि इस इदारे पे अब कोई सख्ती ना हो, अब कोई ठेकेदार को तंग ना किया जाए। अगर उनको तंग किया गया तो फिर हम यूनिवर्सिटी के बाहर निकल कर पुरजोर मजम्मत करेंगे चीफ मिनिस्टर की, जो इसकी जो अगर हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को तंग करेंगे। ये इस पे हम एक किस्म की वार्निंग दे रहे हैं कि इन बच्चों की जिंदगियां ना ख़राब की जाएं। ये बच्चों का हक बनता है इस पाकिस्तान में कि उनको तालीम मिलनी चाहिए। हमारे ज़हीन बच्चे हैं,
और उनके लिए ये जो एक डिपार्टमेंट दो डिपार्टमेंट्स के लिए हम 200 बच्चों की अकोमोडेशन बनाने लगे हैं। अगर किसी ने उनको रोका कॉन्ट्रैक्टर्स को अंदर जाने से, या उन पर तशद्दद किया, या उनको धमकियां मिली, हम यूनिवर्सिटी के बाहर पुरजोर मजम्मत करेंगे। ये दो पॉइंट्स हैं मैंने आपको आज बता दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।